जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत पर आरोप लगा रहा पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा है। अब पाकिस्तान के मंत्री भी इस बात को कबूल करने लगे हैं कि पाकिस्तान की बात को दुनिया में कोई नहीं सुन रहा और जो सुन रहा है वो विश्वास नहीं कर रहा। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री गृह मंत्री ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह ने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा है। एजाज अहमद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मसले पर लोग हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं कि भारत ने कश्मीर में कर्फ्यू लगाया है और वहाँ जुल्म किया जा रहा है, लेकिन कोई हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है और हर कोई भारत की बात पर ही विश्वास कर रहा है। एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि आज हमारे देश की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये एक दिन का काम नहीं है। देश पर राज करने वालों ने छवि को बिगाड़ कर रख दिया है। अभी तक जिसने भी देश की सत्ता चलाई है वही पाकिस्तान की छवि बिगाड़ने के आरोपी हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।